भाई आज हमने एक नया सब्जेक्ट देखा है, मैं आया हूँ कि स्केल्स ऑफ फ्लूट, कि बांसुरी की स्केल्स क्या होती है। ये बड़ा बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है कि गाना कोई भी है हम किस स्केल से बजाएं या कैसे बजाएं, या कुछ लोगों के पास एक दो या तीन ही बांसुरी होती है, उन्हें बड़ा कंफ्यूजन होता है कि स्केल्स क्या होती है और हमें किस स्केल से गाना बजाना चाहिए। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिस तरह से हारमोनियम में दो बटन्स एक साथ होती है और तीन सेट एक साथ होता है, तो इसमें क्या होता है कि एक मिडिल स्केल होती है, एक हायर स्केल होती है और एक लो स्केल होती है। मिडिल स्केल जो लो स्केल है उसमें बहुत मोटी आवाज उसमें आप मतलब प्ले कर सकते हैं, सरगम वही रहता है और उसमें क्या है कि आप बहुत लो पिच की आवाज उसमें निकाल सकते हैं। और मिडिल स्केल में क्या होता है कि सरगम तो वही होता है, कीज वही होती है, पर ये कि उसके जो सुर होते हैं थोड़े उससे हाई होते हैं, और एक हायर ऑक्टेव होता है जिसमें क्या होता है कि सरगम वही होता है बट उसकी जो स्केल होती है वो हाई होती है। जिस तरह मैं आपको दिखाता हूँ एक बेस फ्लूट, ये बेस फ्लूट है, ये एफ स्केल की बेस फ्लूट है, ये काफी लंबी है, तो इसकी जो आवाज होगी इसमें बड़ी गंभीरता होगी और इसमें जो है आप लो स्केल के गाने बजा सकते हैं, जिससे इसकी आवाज आप देखें। जाने के बाद फिर वो मतलब हायर ऑक्टेव की फ्लूट बजाते हैं, मतलब स्केल
सबकी सेम होती है, सुर भी सबके सेम होते हैं, बट फर्क इतना होता है कि उसमें बेस फ्लूट होती है और उसमें आवाज बहुत मोटी आती है, और जो हायर होता है उसमें थोड़ी आवाज बहुत पतली आती है। तो इस तरह से भी कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री फ्लूट्स आप ले सकते हैं, या कॉम्बिनेशन ऑफ टू फ्लूट्स किसी भी गाने में, ये काफी अच्छा लगा। चलिए मैं आपको एक कॉम्बिनेशन देख करता हूँ। ये ए जी स्केल की है और ये फ्लूट भी जी स्केल की है। ये हायर ऑक्टेव की जी स्केल है, ये बेस की जी स्केल है। मैं आपको उसको बजा के बताता हूँ। चलिए चलते चलते आपको